इसका माइक्रोफोन ऑन है क्या? ऑफ हो गया। ओके जस्ट आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, लेट जाकर टू ज्वाइन। ठीक है Can you hear me? Yes, sir. Yes, hello. Yes, sir. Just wait for. Shruti Khan, could you hear me? Shruti? Yes, sir. Sir, yes, sir. आपने एग्जाम नहीं दिए थे क्या? सर श्रुति के हम सब बताए थे ना, वो सबमिट नहीं हुआ था आपका? यस सर। गूगल फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था? नहीं सर। सर वो उस दिन कॉल किए थे ना, हम ही थे। कॉल किए थे? यस सर, श्रुति किरण। Okay, so before starting of the class, I just want to ask you, जैसे last class में हम लोग का बातचीत हुआ था, have you any problems on assignment, assignment one or problem है? Hello, have you any problem in solving assignment one and assignment two? Tell me. No sir. If anyone faced any problem in solving assignment? Udayan, could you hear me? Udayan? Can you hear me? प्रॉब्लम हुआ था कोई? एनीवन ऑफ आईटी एंड सीएसबीएस फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग असाइनमेंट? रिपीटेडली आई एम आस्किंग। अन्नसा मेरा आवाज जा रही है? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अन्नसा? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? नहीं सर, अब प्रिंटिंग मिस्टेक तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं था, वो सर एक सी होगा। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट, वो से स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं।
हेलो, कांट यू ज्वाइन इन? ये आईटी का स्टूडेंट है, प्लीज पे अटेंशन। निकुल रंजन, क्योंकि इनका कोई रोल नंबर नहीं है। यू वांट टू ज्वाइन द क्लास बट विदाउट हैविंग एनी रोल नंबर, एनी आइडिया? यस सर, ही इज आईटी स्टूडेंट। ओके, जब भी ज्वाइन करना ना, अपना रोल नंबर से, अकाउंट रोल नंबर के हिसाब से नहीं बनाया हो क्या? क्या यहाँ से पता चल जाता है मैटर, पर्टिकुलर किस रोल नंबर में क्या पोजीशन है ना? जैसे देख रहे हो आप। ओके, अगेन आई एम आस्किंग, सिंस ए लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड राइट नाउ, क्यों आईटी आप लोगों का ज्वाइन करने में इतना लेट क्यों हुआ? कोई क्लास चल रहा था क्या? हेलो नहीं हेलो, सर, गलत गलत लिंक से ज्वाइन कर रहे थे हम लोग। गलत लिंक क्यों? ऐसा तो आपको मतलब गूगल क्लासरूम का प्रीवियसली लिंक से ही ज्वाइन करना है? सर ग्रुप में प्रीवियसली भी कहीं पे लिख कर क्या? सर ग्रुप के हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, उससे ट्राई कर रहे थे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कौन थे। दिया है? नहीं, कौन दिया है ये लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में? हम दिए नहीं ऐसा पता। कोई इंस्टा दिए डिलीट करो पहले, क्योंकि हम हमेशा बोले हैं आपका जितना भी मैटर होगा वो सारे मैटर्स किसमें डिस्प्लेड हो जाएगा? आपका क्लासरूम में डिस्प्लेड हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। चाहे जो भी लिंक है, चाहे कि हम लिंक को बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सो सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू ऑल, जब भी आप लोग कोई भी मान लो असाइनमेंट का कोई लिंक दिया है, अब आपने कहीं पे जगह पे लिख के रखे और उसी लिंक से असाइनमेंट भेज रहे हो तो वो आएगा नहीं ना। आपको हमेशा जो भी काम करना है थ्रू क्लासरूम करना है, इट इज ऑफिशियल। ग्रुप का डिस्कशन में जो लिंक दिया है वो दैट आई हैव नॉट गिवन द लिंक, ठीक है? तो बी मेक श्योर अबाउट इट बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लास। व्हाट्सएप एडमिन हम है बट हम वहाँ पे नहीं ऐड किए हैं, आप लोग ऐड कर सकते हो, हम आप लोगों को परमिशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं किए हैं। अब देख लेना, वो मेरा एडिट नहीं है, किसी और का एडिट होगा। ओके, सो जस्ट आई एम आस्किंग यू अगेन, ठीक है? आप लोग हमेशा इस लिंक से क्लास में है, कोई रोल नंबर नहीं है इनका? आईटी में है या सीएसबी में है? कोई रोल नंबर नहीं है इनका है? आईटी सर, देखा, आईटी सर। ओके, सो जस्ट आई एम आस्किंग यू बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू? हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू? कोई प्रॉब्लम फेस हुआ था आप लोग से, किसी का भी? हेलो नो सर। मेघल, प्रॉब्लम पे असाइनमेंट वन या असाइनमेंट टू में किसी का भी प्रॉब्लम नो हो सर। गया? मेघल नो, तो किस कहाँ फंसे थे बताओ, नहीं सर, पे कोई वासिम तो प्रॉब्लम कहाँ नहीं हुआ फंसे थे? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सच हुआ। में करके तो एक काम करते हम लोग, एक्चुअली पिछले क्लास में जब CS1 के साथ डिस्कस कर रहे थे, उन लोगों का असाइनमेंट में पिछली जगह में प्रॉब्लम था, शायद ये प्रॉब्लम उन लोगों का प्रॉब्लम आप लोग से डिस्कस कर लेते, ये प्रॉब्लम आप लोग से हो गया था प्रिंसिपल अटेंस 1 - 1/2 x, ये शायद असाइनमेंट 2 का एमसीक्यू था। हैव यू सॉल्व दिस वन? हैव यू सॉल्व दिस वन? हाँ या ना? हेलो हेलो, हाँ सर, हो गया था। हाँ सर, हो गया था। तो देखो, प्रॉबिलिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस लेस देन टू, हम आपको बता दे रहे, पता नहीं आप लोग किए हो कुछ से नहीं। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी होता है ए ए माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस बी। क्यों? इसका रीजन बहुत क्लियरली डिफाइंड है, आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले लेना। जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अगर होता है माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, मॉड ऑफ एक्स होता है माइनस एक्स होता है, कब होता है? जब एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक
एक्स का जगह में अगर एक्स माइनस ए लेस देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का वैल्यू माइनस में आएगा, बिकॉज ऑनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, इसलिए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का जगह हमने माइनस एक्स से लिख दिया, माइनस एक्स माइनस ए लेस देन बी, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी कर दिया हमने. Are you getting what I want to say? ठीक है, सो क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी मींस माइनस एक्स प्लस ए लेस देन बी मींस ए माइनस बी लेस देन एक्स, यहां से हो गया ए माइनस बी लेस देन एक्स. सिमिलरली हम लोग को पता है मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मॉड एक्स का वैल्यू हम अगर एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का वैल्यू एक्स माइनस ए होगा. नाउ व्हाट इज द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इज मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी, सो एक्स माइनस ए लेस देन बी मींस एक्स माइनस ए लेस देन बी, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है. यहां से आता है एक्स लेस देन ए प्लस बी, हम इन दोनों का अगर एक्यूमुलेट करें तो ए माइनस बी लेस लेस देन ए प्लस बी. सो अनस फिर नहीं मिल क्या प्रॉब्लम हो गया था, ये छोड़ दिए थे. हेलो हेलो, हाँ सर हो गया था. हाँ तो फिर से बता दे, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन टू इसका मतलब होगा ए माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस बी, इस फॉर्मूला का अनुसार मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन बी मतलब होता है ए माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस बी, मतलब माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री, मतलब हो जाएगा माइनस वन टू थ्री एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स है वन माइनस वन बाई हाफ एक्स, ठीक है, इट्स ओके. जिसको नहीं हुआ था क्योंकि यही प्रॉब्लम थोड़ा टफ था, बाकी सब तो प्रॉब्लम था, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लिए. आई वांट टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, इज इट ओके, समझ में आया. हेलो, आप लोग तो कह रहे हो गया मींस ये सर, हां बोलो सर, वन बोलो सर, जस्ट आउटसाइड द लॉबी सो प्लीज लेट मी. कौन आउटसाइड द लॉबी, आपको यहां पे दिखेगा ना यार. Your voice is lagging too much. Hello? Yes, sir. Am I clear? No. Hello? No, sir. Your voice is lagging. Hello? Yes, sir. No, मेरा voice तो ठीक जा रहा है आपका, हम तो आपको सुन पा रहे हैं. आदेश मुझे सुन पा रहे हो आप? आदेश? No, sir. Yes, sir. We can hear you. Now can you hear me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. जो बोल रहे थे लॉबी में वेट कर रहे, देखो हमेशा आप लोग क्लासरूम में ज्वाइन करना ना थ्रू क्लासरूम का लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये लिंक बीच बीच में मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है ना, असाइनमेंट का अलग अलग सेट आता रहता है, तो सारे लिंक जैसे आपका अटेंडेंस हो या क्या नाम है क्लास है, सबका लिंक आपका इसमें दिया हुआ है. हाँ बोलो सर. समवन ट्राइज टू एंटर, रोल नंबर 5 सत्यम कुमार मल्लिक सर, ही इज कंटीन्यूअसली ट्राइंग टू एंटर बट ही कांट. अर्णव साहब कुछ बोल रहे थे सर, एक्सक्यूज मी करके, कैन हेयर मी. हां सर, सर रोल नंबर 5, सर रोल नंबर 5 कांट जॉइन द मीटिंग, ही इज कंटीन्यूअसली ट्राइंग फ्रॉम 15 मिनट्स. अर्णव साहब कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, वी कैन सी इट. सो आपको लग रहा है किसी का नोटिफिकेशन आया है जिसको हम एडमिट करेंगे? नो सर, वही तो पेंडिंग एडमिशन को दिखा तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा उनको बोलना वो लिंक से ज्वाइन ही ना कर रहे, तो हम तो लिंक हमें सब बोले थे उनको मेक श्योर करने बोल रहे, ठीक है. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो अप टू पॉइजन इज ओवर ना, पॉइजन तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आई होप. हेलो
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब कुछ नोटिफिकेशन आया यही उनका बात कर रही था क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या सत्यम क्या प्रॉब्लम हुआ था शांतन यस सर यस सर गुड मॉर्निंग सर प्रॉब्लम हुआ था क्या हुआ था प्रॉब्लम आपके साथ सर प्रॉब्लम हुआ सर गलत लिंक में चले गए थे सॉरी सर प्रीवियस लिंक में देखिए आप मैसेज गलत लिंक हमेशा स्टोर करके रखे हो सर आई स्टोर मैसेज जस्ट नाउ सर हमेशा आपको गूगल क्लासरूम में दिया हुआ रहेगा है ना गेटिंग ना सर एक्चुअली हम अपने बनाए थे नोटपैड में हम सबका लिंक रखे थे मतलब क्लासेस करने का सॉरी सर ये सब मत बनाना ठीक है सॉरी इन जनरल वो चेंज नहीं होगा मतलब कभी कभी ये चेंज करना पड़ता है कभी कभी मतलब कभी काम नहीं करता है ओके सर ओके सर ध्यान रखिए काम हो रहा है ठीक है तो हमेशा इससे ज्वाइन करना ओके सर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा या डेंसिटी फंक्शन होगा बोलो बोलो कौन सा फंक्शन होगा कंटीन्यूअस टेल मी जल्दी बोलो आप लोग ऑब्वियसली श्रुति प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय ठीक है जी इट्स ओके हाँ या ना प्लीज पे अटेंशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पावरफुल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाई कैन यू हियर मी हाँ या ना आप लोग बीच में जो बोलते रहना क्योंकि ऑनलाइन है तो कभी कभी लिंक कट जाता है कभी मेरा आवाज बंद हो जाता है आपका आवाज बंद हो जाता है तो मुझे पूछना पड़ता है एक काम करते हैं हम किसी किसी को माइक्रोफोन ऑन करा देते हैं आप लोग कॉन्स्टेंट माइक्रोफोन के साथ मेरे साथ ऑन में रहना अन्यसा माइक ऑन करो आदेश माइक ऑन करो निशा माइक ऑन करो श्रुति खान माइक ऑन करो अमित माइक ऑन करो ठीक है शांति माइक ऑन करो अगर डिस्टर्बेंस नहीं है बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो बैकग्राउंड नॉइज है तो माइक ऑन करने का जरूरत नहीं है शुभम आईटी माइक ऑन करो ठीक है मेघल माइक ऑन करो ठीक है अगर आप लोग में से किसी का बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो ही माइक ऑन रखना माइक करवाएं क्योंकि जब भी हम पूछे तुरंत आंसर दे पाओ इसका और कोई मतलब नहीं जैसे आपको पता चला आपका बैकग्राउंड नॉइज है माइक ऑफ कर देना कैन यू हियर मी क्लियरली और बाकी सबको अगर बात करना है माइक ऑन करके उनसे बात करना बाकी किसी को अगर बात करना है माइक ऑन करके बात करना ये हमने किस लिए करवाया है ये और कुछ नहीं हम इसलिए करवाया है ताकि मुझे भी पता चले ये क्लास लाइव चल रहा है ना जो आप लोगों का आवाज आ रहा है हम आपको सुन पा रहे हैं आप मुझे सुन पा रहे हो क्योंकि ये ऑनलाइन मैटर है तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैटर मुझे भी समझना पड़ता है लाइन ठीक है या नहीं है ना जब भी हम पूछेंगे तुरंत आंसर देना आप लोग इसलिए आपको माइक ऑन करवाएंगे सो इज इट ओके ठीक है यस सर यस सर यस सर ठीक है ठीक है हम सिंपल टेस्ट कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन आई एम टेलिंग दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पावरफुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज़ बाय व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन बायनोमियल ऑफ द बायनोमियल इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल में देखना एक्स का जो रेंज था वो था जीरो बताओ क्या क्या था जीरो वन टू डॉट 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 कहां पर तक था हेलो पॉइजन में कहां तक था पॉइजन में कहां तक एंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी वन टू डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट गुड सो देखना क्या मुझे मेरे बात का सिंपली एक आंसर देना नहीं मुझे एक सिंपल आंसर देना क्या बायनोमियल का पॉइंट इसमें आ जाएगा
बाइनोमियल का पॉइंट्स इसमें आ जाएगा हाँ या ना? नो सर. ऑब्वियसली आ जाएगा. जीरो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का बीच में जीरो है या बाहर जीरो है? वन टू एन. पॉइजन का पॉइंट्स भी इसमें आ जाएगा. इज इट ओके? यस सर. हाँ सर. यस यस सर. ओके गुड. बट मुझे एक बार बोलना, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं मैटर को? मेरा कहना ये है क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या उनका पॉइंट इसमें आएगा? No, no, sir. So I can easily tell that any distribution like binomial poisson can be approximated by normal distribution, क्योंकि इनका रेंज जो है entire range है और continuous है तो वो कोई भी point ले सकता है. जैसे यहाँ पे point ये 1.5 point को ये आसानी से ले सकता है पर ये नहीं ले सकता है. Getting ना? Is it okay? है ना, यहाँ पे 1.5 point नहीं ले सकते पर यहाँ पे ले सकते हैं. Is it okay? ठीक है ये? Yes sir. That's why I'm telling that normal distribution is a powerful probability distribution. इतना powerful वो कोई भी distribution को approximate कर लेते हैं. ठीक है ना, चाहे binomial हो चाहे normal poisson. Just that thing its points mean and standard deviation of normal distribution. आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? Normal distribution r म्यू एंड सिग्मा डिस्क्रिप्टिव. समझे? नंबर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आर यू राइटिंग विद मी? डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ये मैथमेटिक्स क्लास है, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ नहीं लिखोगे तो हम भी यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से. तो हम यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ मैथमेटिक्स का फीलिंग नहीं है, सिंपली लिटरेचर का फीलिंग है. This symmetric about its mean, mean about its mean mu. देखो ये normal distribution mu का respect में symmetric है. Is it okay? Symmetric with respect. हम लोग एक graph बनाते हैं इनका. इनका graph बनाते हैं normal distribution का. Distribution function का graph है ये. Please pay attention. So this is mean mu, this is plus infinity, this is negative infinity. So this is distribution function fx, which is from my fx means, fx means probability of capital X less than equal to small x, means minus infinity to x ft dt होता है ना. ft का जगह पे यहाँ पे density function रहेगा. t minus mu whole square by 2 sigma square dt. ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. आर यू गेटिंग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इज इट ओके? क्लियर? हेलो, क्लियर? यस सर. सो इट्स रेंज इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां तक होगा? एक्स. एक्स तक रेंज है. रेंज यहां पे जो एक्स है, एक्स तक का रेंज है. समझ रहे हो मैटर? हेलो. यस सर. यस सर. दिस बेसिकली डिनोटिंग एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एक्स. अब देखो, ठीक है ना. नाउ नोट वन फैक्ट को नोट करो. Note down one fact that area from minus infinity to mu and mu to plus infinity are same as, bolo, it is symmetric. About its mean mu. ठीक है. mean mu. समझे? हेलो, समझे आप? हेलो. यस सर. यस सर. सर अबाउट इट्स मीन यू वो समझ में नहीं आया. कौन कह रहे हैं? आई एम सो अनिश.
अन्य सर इसका मतलब ये है जितना एरिया ना और ये जो एरिया सर वो समझ में आया वो अबाउट इट्स मीन यू मतलब वही तो अच्छा वही तो में इसका मतलब वही हो गया माइनस मेरा बात ध्यान से देखो माइनस माइनस इनफिनिटी से म्यू तक जितना एरिया रहेगा उतना ही एरिया रहेगा म्यू से इनफिनिटी तक सेम एरिया सेम एरिया ठीक है ठीक है ठीक है बार बार हम स्केच चला जा रहे हैं मिटाने के लिए ठीक है हेलो ठीक है ना नेक्स्ट जो आएगा नहीं इट्स का मीन एंड एसडी निकालना फाइंड मीन एंड एसडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तो आता बट ये अभी आने का चांसेस कम ही है किस लिए कम है आने का चांसेस आने का चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अभी ये सब आएगा नहीं मतलब ग्रुप टाइप का प्रॉब्लम आएगा नहीं ठीक है तो फिर भी हम थोड़ा जल्दी इसमें दिखा देते एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मींस टेल मी हाउ वी कैन फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फ्रॉम अ डेंसिटी फंक्शन कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी डेंसिटी फंक्शन सपोज दिया हुआ है हाउ वी कैन फाइंड द मीन बोलो जल्दी सर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स गुड माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स इनटू एफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स व्हाट इज एफ ऑफ एक्स क्या है डेंसिटी फंक्शन है ना सो इट बिकम एक्स इंटू सिग्मा रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डी एक्स ठीक है अभी हम लोग क्या करना चाहेंगे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते सो एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई टू सिग्मा स्क्वायर डी एक्स प्लस म्यू बाई सिग्मा रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इट इज बार एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई टू सिग्मा स्क्वायर डी एक्स कैन यू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट कुछ नहीं यहाँ पे हम लोग देखो एक्स माइनस म्यू लिए थे उस म्यू को हम यहाँ पे प्लस करके एडजस्ट कर दिए इज इट ओके समझ में आया मैटर माइनस म्यू लिए थे जिसको प्लस म्यू करके एडजस्ट कर दिए समझ में आया हेलो यस यस सर अब हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग देखना यहाँ पे लेट एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा रूट टू इज इक्वल टू जेड ले लेंगे क्योंकि ये जो टर्म है इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस टर्म है ना इनको जेड ले लिए ताकि ये जेड स्क्वायर आ जाए गेटिंग सो डी एक्स कितना होगा सिग्मा रूट टू डी जेड और रेंजेस में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि एक्स क्योंकि इन्फिनिटी के साथ प्लस करो माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है ना तो रेंजेस इज अगेन सेम इज इट ओके समझ में आ रहा है मैटर ठीक है यस सर एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा रूट टू मतलब हम लोग जेड कर दिए by root pi e to the power minus z square by e to the power minus z square hua aur kuch nahi hua aur dx ka jagah pe sigma root 2 dz first dal integration se aur next se is it okay clear clear hai ya na क्लियर हाँ या ना हेलो यस सर यस सर यस सर मैं करके लिखते हैं
ये सब आएगा नहीं, फिर भी हम करा रहे क्योंकि अगर मान लो कॉलेज ये कब आएगा पता है, अगर मान लो ऑफलाइन मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम हुआ तो उनका चांसेस है क्या? अभी लग रहा है नो सर, बिल्कुल नहीं सर। अगर बट अगर आता है तो इसलिए करा दे रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ क्या कुछ बोले? यस सर, अगस्त में जब एग्जाम होगा तब अगर कोरोना चला जाएगा तो इनका जाने का चांस तो अभी दिख नहीं रहा, जिनका जाने का चांसेस तो दिख नहीं रहा है। एफ एक्स डी एस का वैल्यू हो जाता है आपका, ध्यान से देखो जीरो होता है। कब होता है जीरो बोल सकते हो आप? ऑड फंक्शन, जब एफ एक्स इज ऑड, ऑड दैट इज एफ एक्स इज ऑड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। अब ये हो जाता है आपका 2 इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब होता है जब एफ एक्स is even, even, even. So dekhna even matlab that is f of minus x is equal to f x hota hai. Is it okay? Haan ya na? Theek thaak hai? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Ye jo function hai, ye jo function hai, this is kya function? Even or odd? Bolo. ठीक है ना? कैसे पता चला? एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू इट इज बार माइनस जेड स्क्वायर, आप लेते हो एफ ऑफ माइनस जेड हो जाएगा आपका माइनस जेड इंटू इट इज बार माइनस जेड स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ एफ जेड, इज इट ओके? समझ में आया? क्लियर कर दी इसको, ठीक है? ठीक है yes. ये फंक्शन है, बताओ फर्मी ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? सर ये इवन होगा, होगा मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ सर, कॉन्फिडेंस के साथ में इवन होगा। ये क्लास में हमेशा कॉन्फिडेंस रहे ना, मुझे एक ही चीज से मतलब है कॉन्फिडेंस। सिग्मा सिग्मा कट गया, रूट टू कट गया, तो क्या होगा मैटर? म्यू बाय रूट पाई टू सामने आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलो कंफ्यूजन है तो बोलना चाहिए, बोलो। सर पिछले वाला क्या इवन होगा या ऑड होगा? दिखाए तो ऑड होगा, पिछले वाला मुझे ये बोला ना, ये तो ऑड है, ऐसा ऑड ये बोला ना, हाँ सर थ्रू इवन शो कर रहा है, ऑड होगा, सो नहीं गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। आप समझ गए ना मैटर, किस लिए ऑड होगा? हाँ सर समझ गए, टाइपिंग मिस्टेक, उसको दिखाया भी हमने कैसे वो ऑड होगा, ठीक है। तो आ गया ये, नाउ देखो आप इट के बाद जो जेड स्क्वायर है इसको भी मुझे लेट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो टू जेड डी जेड इज हाउ मच डी टी, सो फॉर दैट रीजन डी जेड मतलब कितना होगा हमने सर डी टी बाई टू जेड, मेगा समझ रही हो? टू इंटू जेड मतलब रूट टी, अरे जेड स्क्वायर मतलब टी मतलब जेड कितना होगा? रूट टी होगा ना, इसको यहां बैठा दे रहे हम, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो सीरियसली टेल मी, हेलो यस सर गेटिंग सर, हाँ ठीक है। सो जिसको भी प्रॉब्लम है माइक ऑन करके तुरंत बात करना। So e to the power minus z square means z square को हम लोग t लिए थे, so e to the power minus t और dz मतलब dt by 2 into root t, देखो 2 2 कट गया है ना,
should become mu by root pi 0 to infinity e to the power half e to the power minus t dt. अब हम लोग इसे यहाँ पे गामा फंक्शन का आपको लगता है ये प्रॉब्लम आएगा अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो अगर भले आपको मतलब ये स्कैन कर भी करके भी भेजना बोले तो भी नहीं आएगा. इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इतना बड़ा 2-3 पेज का प्रॉब्लम टीचर भी देख नहीं पाएगा ये स्कैन कॉपी से होता है ना. गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन गामा का और एक फैक्टर क्या है कैन यू हियर मी. हेलो सर रूट पाई रूट पाई ओके. हम तो इस फंक्शन को मुझे एडजस्टेड करना होगा किस वे से एडजस्ट करेंगे ताकि ये n माइनस वन का फॉर्म में आए. सो मतलब आपको n माइनस वन मतलब t टू द पावर हाफ है तो n माइनस वन कैसे कर देंगे वन माइनस सॉरी हाफ माइनस वन करेंगे तो कैसे करेंगे इसको बता. ये तो माइनस हाफ था ना क्योंकि नीचे था तो हाफ माइनस वन करेंगे है ना. इज इट ओके. नीचे था ना रूट टी समझ रहे हो आप. ये गामा हाफ हो गया मींस म्यू बाय रूट पाई इनटू रूट पाई रूट पाई एंड रूट पाई गेटिंग कैंसल सो गिव यू म्यू सो मीन इक्वल टू म्यू इक्वल टू म्यू मीन. अब हम फेरीज में जाना चाहते हैं समझ में आया ये नहीं आया मुझे तुरंत बताओ जल्दी. समझ में अगर नहीं आया होगा तुरंत बताना मुझे हम वेरिएंस में जाना चाहेंगे. हेलो वेरिएंस को यहां से समझा देते हैं ठीक है फिर उसको लिख लिख के समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स. हम क्या बोलना चाहें समझ रहे हो. यस सर सिंपल वेरिएंस को यहां से बोल दे क्योंकि ये सब आएगा नहीं. इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना ये सब आएगा नहीं फिर भी हम करा देते सिलेबस में है. मीन को समझा देते लिख के वेरिएंस को थोड़ा यहां से समझा देते कॉपी से. मीन समझ में आया था जिसको नहीं आया तो बताओ तुरंत. देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है टेल मी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स. कैन यू हियर मी. हेलो यस सर यस सर. एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर क्या होगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ एक्स. इज इट ओके क्लियर. सो वेरिएंस ऑफ एक्स मींस expectation of x minus expectation of x whole square. Now what is the value of expectation of x? That is mu. So formula for variance of x become expectation of x minus mu whole square. So matlab ho jayega x minus mu whole square into fx and this could be fx. This is fx. This is fx. Hai na? Theek hai? So ab hum log kya kiye? x minus mu by sigma ko hum log z pakad liye. Jaise hum log liye the. सो डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा रूट टू डी जेड जैसे हम लोग मीन निकालने का टाइम में किए थे. देखो जेड एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल टू जेड सो डी एक्स इक्वल टू सिग्मा रूट टू डी जेड तो ऐसे ही आएगा कि जेड का फॉर्म में मैटर आ गया. फिर जेड स्क्वायर को हम लोग पिछले में देखना टी लिए थे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू टी मीन्स टू जेड डी जेड इज इक्वल टू डी यू सो डी जेड इज इक्वल टू हाफ डी यू बाई जेड मतलब हाफ डी यू बाई रूट यू. यहाँ पे भी देखना हम लोग जब जेड स्क्वायर इक्वल टू टी लिए थे तो डी जेड इक्वल टू डी टी बाई टू टी था. सिमिलरली ऐसे ही आया हम जेड स्क्वायर क्यूब लिए ट्रांसफॉर्मेशन किए तो यू टू दी पावर हाफ डी टू माइनस यू डी यू किए. हम लोग गामा फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो गामा फंक्शन का यूज करने के लिए वी रिक्वायर टू एडजस्ट द पावर ऑफ यू लाइक एन माइनस वन. सो हाफ को हम लोग 3/2 - 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे एन का जगह 3/2 आ गया so value of this would be gamma 3/2 and you know that gamma of n plus 1 is equal to n gamma n hai na. gamma of n plus 1 equal to n gamma n so gamma of 3/2 ko hum log likh diye half plus 1 should be gamma of n plus 1 means n gamma n n ka jagah half hai kyunki 3/2 ko hum n plus 1 karke likhe so matlab half into gamma of ho gaya
सो सिग्मा स्क्वायर रूट पाई ये 2 कैंसिल हो गया था पहले, और सिग्मा हाफ का वैल्यू हम लोग अभी गामा हाफ का वैल्यू अभी आप लोग रूट पाई लिखे थे, तो रूट पाई भी कैंसिल हो गया तो सिग्मा स्क्वायर आ गया. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, सो इट कुड बी सिग्मा. इज इट ओके? समझ में आया आपको? मीन को समझा दिए थे, वेरियंस को वहां से पढ़े थे. प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन व्हेदर यू हैव अंडरस्टूड द सेम और नॉट. सर जल्दी बताना जल्दी. हेलो चैट सेक्शन में जल्दी बताना. कैन यू हियर मी? हम जिन जिन को माइक ऑन करने बोले थे सारे ने माइक ऑफ कर दिया. निशा आपको हम ऑन रखने बोले थे थ्रू आउट द क्लास. श्रुति यस सर. सर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो आपको बोला गया था माइक ऑन रखने के लिए? तो नॉइज है तो आप करना. I've seen that all of you have written answered understood. If there is anyone who could not understood, one more. समझ में आया आपको? Yes sir. Hello? Yes sir. Is there is anyone who could not understood this problem? देखो हम ये बार-बार पूछ लेते हैं, आप लोग से verify कर लेते हैं. कारण है क्यों? मेघल क्लास कोई भी लाइन लिखने के बाद भी पूछते हैं समझ में आया या नहीं आया है, फिर प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी चैट में पूछते हैं समझ में आया या नहीं आया, तब भी अगर कोई नहीं बोलता है मेघल मींस समझ में आया ही होगा. क्यों मेघल? हेलो यस सर. बार बार पूछा जाता है ना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है? यस सर. चलो ठीक है. So I've seen that most of you have written understood. So I have no other meaning just to get that you have understood the fact. So अभी हम लोग normal distribution करते हैं. देखो normal distribution है, powerful distribution है. But power के साथ साथ हम लोग का problem भी है. क्या problem है? इतना powerful ताकि हम control नहीं कर पाते. Control किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि इनका mean mu है, SD sigma है. मतलब कुछ भी हो सकता है mean. तो normal को हम लोग standard normal में convert करते हैं ताकि उसको हम control कर पाए. Getting ना? So now I'm writing standard normal distribution. Can you see the screen? Standard normal distribution. So please have a look. Standard normal distribution ka probability density function kya hai? Please have a look. Probability density function, city function of standard normal is normal is कितना होगा? इसको हम जीजेट करके लिखते हैं, ठीक है? 1 बाय रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डीजेट माइनस इनफिनिटी लेस देन जेड लेस देन इनफिनिटी. अब कुछ नोट्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ नोट्स लिखते हैं. नोट ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो नॉर्मल इफेक्ट क्या था? नॉर्मल है ना 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये था नॉर्मल. इज ओके नॉर्मल. हम लोग यहां पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है. नॉर्मल को कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट ओके? समझ में आ रहा है? हेलो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल को कैसे कन्वर्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए इसको स्टार लगा देते हैं. इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तब ये हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया डीजेट. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिनका डेंसिटी फंक्शन है 1 बाय माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, ठीक है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल. समझ में आया? नॉर्मल को कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं समझ में आया?
यस सर। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल को, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मू वन। नाउ हैव अ लुक, देखना हम लोग अगर यहाँ पे इस जगह में अगर x माइनस म्यू बाई सिग्मा जो टर्म है यहाँ पे अगर हम लोग z को लगा देते हैं तो यहाँ पे z स्क्वायर बाई टू आ जा रहा है, बट सिग्मा हट जा रहा है। ये z का वैल्यू यहाँ पे तो आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नीचे का जो सिग्मा है वो लैक कर जा रहा है। क्यों, सही बोल रहे या गलत? एक्चुअली ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए आप लोग को पढ़ना होगा जो सिलेबस पे नहीं है, बट फिर भी हम समझा देते हैं, बुक में भी नहीं है आप लोग का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मान लो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सपोज दिस इज बी ट्रांसफॉर्मेशन, ये रैंडम वेरिएबल वन है, ये रैंडम वेरिएबल टू है सपोज, ठीक है, समझ रहे हो मैटर? हेलो, मतलब x से आपको y जाना है तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज इफ y ऑफ y इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज इफ y ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ x इंटू डी एक्स बाई डी वाई, दिस इज मॉड, फाइन। तो हम लोग के यहाँ पे क्या है, देखो नाउ हम लोग के यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बताओ, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, जहां पे ये है नॉर्मल, नॉर्मल का रैंडम वेरिएबल, और ये है बोलो स्टैंडर्ड नॉर्मल का, बुक में इतना नहीं है गडिंग, इस अनुसार यहाँ पे क्या होगा, ये होता है आपका डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई होता है, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे तो ये था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वाई, ये था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्स, समझ रहे हो आप? हेलो, ठीक से डेंसिटी लिखते हैं, समझ रहे हो आप लोग? हेलो सर, हेलो सर, यस सर, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा, तो मेरे एक्स का जगह जेड, वाई का जगह जेड है, तो ऐसे होगा गेटिंग। अब हम लोग का फंक्शन क्या है देखना, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, सो डीजेड कितना होगा, डीजेड बाई डी एक्स कितना होगा, वन बाई सिग्मा होगा ना? हेलो यस सर, सो डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स का लिखते हैं जो कि नॉर्मल का है, आप लोगों को जो क्लास डिस्कशन बन रहा है ना वो बुक से भी, आपका जो बुक है उनसे भी बढ़िया है, किसी को लगा है सर? क्लास डिस्कशन और क्लास नोट जो है ना बुक से भी बढ़िया है आपका, बुक में उतना नहीं है जितना यहाँ पे है, आप लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे ना, और आपका जो फालतू बुक जो होता है दासपाल का उससे ये बहुत बढ़िया है गड़ी, एफजेड ये आ गया, ठीक है। अब देखो जेड को तो एक्स का फॉर्म में नहीं लिख सकते है ना, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक्स माइनस म्यू इक्वल टू जेड जो था उसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिख देते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि सिंपल मतलब उसमें से उसी जगह सब्स्टिट्यूट करके, समझ में आया? इसलिए सिग्मा उड़ गया, समझ में आया? हेलो, हाँ या ना? अब स्टैंडर्ड नॉर्मल का कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल हैज मीन, आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, हैज मीन जीरो एंड एस टी, आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ या नहीं? हाँ या ना? यस सर, क्या स्क्रॉल कीजिए नीचे स्क्रीन से, नीचे तो कुछ नहीं ऊपर स्क्रॉल करना है, छुटिया ऊपर का छुटिया, ठीक
ठीक है, ये तो देखो एक सिंपल प्रूफ है, हम दे देंगे, आप लिख लेना वहां से, ठीक है? ओके सर। आप स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। लिखो जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। हो गया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। लिख लोगे ना? अब लिख लोगे ना? यस सर। ठीक है, अगर कोई भी चीज छूट भी जाता है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, वो क्लास डिस्कशन में आ जाता है। सो मीन देखो एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या लगाए थे, जेड इज इक्वल टू देखो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कितना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, बिकॉज हम लोग बोले थे जो सिंपल जो एक्सपेक्टेशन है वो रैंडम वेरिएबल के ऊपर जाके गिरता है, कोई भी फिक्स्ड मतलब टर्म के ऊपर इफेक्टेड नहीं होता है, तो म्यू एंड सिग्मा था बेसिकली फिक्स्ड टर्म, मीन एंड एसडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब नॉर्मल का मीन, मीन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि एक्स आपका नॉर्मल था, है ना, एक्स नॉर्मल था, जेड आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल था, है ना, तो नॉर्मल का मीन कितना निकाले थे, म्यू निकाले थे, समझ में आया, इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन जीरो आ गया, इज इट ओके, इज इट ओके, हाँ या ना? सिमिलरली देखना, हम अगर वेरिएंस निकालना चाहेंगे, ये सब प्रूफ बुक में है ही नहीं, पर हम चाहते हैं ये सब आपको कराना ताकि अब मैटर को समझो, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में मत सोचा करो, नहीं तो मैटर नहीं समझ में आ गया ना तो सीखोगे नहीं कुछ। देखो वेरिएंस के एक फॉर्मूला किए थे, वेरिएंस ऑफ ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ ए, याद है, शायद एक प्रॉब्लम में किए थे इनके साथ, यस सर, कुड यू रिमेंबर इट, यस सर, हां या ना, इसको ऐसे करके लिख लिया, जिसमें से ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी, सो इट बिकम टेल मी बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स क्या है, नॉर्मल वेरिएट है, नॉर्मल वेरिएट का वेरियंस कितना निकाला था हम लोग, सिग्मा स्क्वायर निकाले ही थे, देखो नॉर्मल का सिग्मा स्क्वायर तो निकाले ही थे हम लोग, निकाले थे ना सिग्मा स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, दिख रहा है आपको? हाँ यस सर, यस सर, हाँ, सो मीन्स सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर मीन कुछ तो बोला करो, किसी को समझ में नहीं आया, क्या समझेगा, ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड नॉर्मल का, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगा। सो जैसे देखना हम लोग लिखाए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, कैन यू सी माय स्क्रीन, यस सर, प्लीज हैव अ लुक दिस पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन, सिमेट्रिक मतलब माइनस इनफिनिटी से म्यू तक जितना, म्यू से इनफिनिटी तक उतना एरिया दिखाया था ना, तो अब स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन कितना है, जीरो, तो यहां स्टैंडर्ड नॉर्मल भी म्यू का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्योंकि इनका मीन जीरो है, जैसे नॉर्मल उनका मीन म्यू का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक था, ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्मल इनका मीन म्यू का सॉरी जीरो का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्लियर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग लिखो मेरे साथ साथ, इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन, इट्स मीन जीरो, ठीक है जी, समझ रहे हो, हाँ या ना, जैसे नॉर्मल उनका मीन म्यू का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक था, स्टैंडर्ड नॉर्मल इनका मीन जीरो के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, इनका ग्राफ क्या होगा हम स्केच करते हैं, आप लोगों को पूरा लिख लिख के समझा दिया जा रहा है, कहां कहीं पे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, आप लोग क्यों मेगल, बात सही है ना, और कौन सी आ रहा है, पृथ्वी से ना, पृथ्वी हो, और कौन से आ रहे, पृथ्वी से ना, मेघा, प्रणय, प्रणय, असल में बहुत सारे बैच हो गया ना,
तो हम दूसरे बैच का शेयर करना पड़ना है। समझ में आ रहा है आपको मैटर? देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल जीरो का रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, मतलब माइनस इनफिनिटी से जीरो और जीरो से इनफिनिटी सेम आने के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे बनता है फाइव जेड। फाइव जेड मीन्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड माइनस इनफिनिटी। आप लोग अटेंडेंस देना स्टार्ट करना, क्लास अभी खत्म हो जाएगा, आपका दूसरा क्लास भी है ना, ये क्लास नहीं है दूसरा? ये सर है, किसका है? सीएसबीएस या क्लास है? नहीं आईटी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। इट बेसिकली डिनोटिंग द एरिया फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू जेड, है ना? समझ लो मैटर। समझ रहे हो मैटर को? एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जेड, समझे? है ना? अब सिमेट्रिक है तो व्हाट डज इट मीन ऑफ सिमेट्रिक? माइनस इंफिनिटी से जेड तक एरिया, माइनस इंफिनिटी से जेड तक एंड जीरो से इंफिनिटी तक सेम एरिया, समझे? सेम एरिया आर सिमेट्रिक। कैन यू हियर मी? हेलो? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक समझ में आया आज का क्लास? जिसको समझ में नहीं आया तुरंत बोलना मुझे, समझ में नहीं आया तुरंत बोलो। अटेंडेंस देना स्टार्ट कर दिया आप लोग? ठीक है अन्नसा। हेलो। यस सर, नोटेड। प्रणव आदेश, आप लोग एब्सेंट लिस्ट भेज देना। अन्नसा नेक्स्ट क्लास आप लोगों को 3 बजे से है ना, क्विज डे याद है ना? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कब है? कल है, 3 बजे से है ना आप लोग का? 3 बजे से आपका, ठीक। टाइम नोट डाउन करना, पक्का 3 बजे ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है सर। So, I hope all of you have given attendance in their Google form. May I close the link? May I close the link? No, sir. कौन सा बैच? IT? Yes, sir. एक बात बताओ, इस क्लास को किसको समझ में नहीं आया? वो थोड़ा देर बाद क्लास को लीव करेगा, जल्दी बताओ किसको समझ में नहीं आया, तुरंत बताओ। प्रिया झा, समझ में आया आपको? रोहित मुखर्जी, रोहित, प्रिया झा? यस सर। निशा, आदेश, अंकिता, अंकिता समझ में आया? हेलो अंकिता। यस सर। यस सर। ठीक है सर, आई हैव रिपीटेडली हैव आस्क्ड यू ऑल बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, सो आई एम लीविंग द क्लास। देखो हम बार बार पूछ लेते हैं, इसके बाद भी अगर आप बोलते हो सर ठीक है तो ये इसमें मेरा गलती नहीं है। एक काम करना मेघल, अन्नसा, आप लोग एब्सेंट लिस्ट, ठीक है, हो जाएगा नोटेड? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ओके, आई एम क्लोजिंग द क्लास।